हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पनास कुकिंग लैब। और आज हम बनाएंगे दही की मलाई से मक्खन और मक्खन से घी। ये मैंने कल रात को दही जमाया था और ये परसों का दही जमा हुआ है जो कि मैंने यूज में नहीं लिया था। और ये 2 दिन पहले की मलाई है जो कि मैंने दही की इकट्ठी करके फ्रिज में स्टोर कर रखी थी। तो आइए मलाई को सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी मोटी मलाई आई है। जितनी दूध की क्वालिटी अच्छी होगी तो मलाई भी उतनी ही अच्छी आएगी। और इस तरह से मलाई को हम पूरा सेपरेट कर लेंगे। इसका थोड़ा सा येलोइश कलर आ रहा है क्योंकि ये गाय का दूध है। इस तरह से दूसरे वाले बर्तन की मलाई भी हम सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से दही के ऊपर जितनी भी मलाई थी वो हमने सेपरेट कर ली है और ये दही बच गया है। दही को हम छाछ बना सकते हैं और कैसे भी खा सकते हैं। और इस तरह से हमारी ये मलाई खट्टी हो गई है। ये सिर्फ 4 दिन की मलाई है। 4-5 दिन तक हम दही की मलाई को फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, वो खराब नहीं होती, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। इस तरह से दही की मलाई को मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। इसको थोड़ा सा छोटे छोटे से पीसेस में कर देते हैं, इसको मैश कर देते हैं चम्मच से। अब इसके अंदर हम 3-4 ग्लास पानी की ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमने 3 ग्लास पानी मिला दिया इसके अंदर। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें और कमेंट करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू सपोर्ट करते रहें। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मक्खन निकल गया है। यदि आपको लगता है कि मक्खन मेल्ट हो गया, निकल नहीं पा रहा है, तो आप ठंडा पानी डालें, ज़्यादा गर्म है तो। और यदि मलाई हमने फ्रिज में रखी हुई है तो नॉर्मल वाटर भी हम ऐड कर सकते हैं। उस टाइम हमें गर्म पानी नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो क्या है कि मक्खन पिघल जाएगा और अच्छे से नहीं निकल पाएगा। इस तरह से मक्खन निकल गया है और इसका कलर आप जो देख रहे हैं थोड़ा सा येलोइश सा है, वो इसलिए क्योंकि ये गाय के दूध से बना है। यदि भैंस का दूध लिया होता तो इसका कलर वाइट होता। अब आप देख सकते हैं, मैं इसका एक अच्छा सा गोला बना लूंगी। इस तरह से इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है और ये खट्टी छाछ है उसको हम अलग कर देंगे। इस तरह से मक्खन बन गया है। अब हम इसके अंदर से ये जो पानी है इसको फेंक देंगे। हम गैस पे गरम कर लेंगे थोड़ा। फ्रेंड्स, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और जब ठंडा हो जाएगा तो अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, फ्रिज में से मैंने घी को निकाल लिया, ये पूरी तरह से जम चुका है, आप देख सकते हैं। और यदि हमें जल्दी जमाना हो तो हम फ्रीजर में भी रख सकते हैं या फिर ओवरनाइट के लिए रख देंगे तो भी अच्छे से जम जाएगा। स्पून से हम इसको उलट देंगे। इस मक्खन ऊपर ऊपर है और जो छाछ थी वो नीचे रह गई है पानी। और इसके ऊपर अब हम ठंडा पानी डालेंगे जिससे छाछ वाला दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी पहले से डाल के रखेंगे जिससे कि ये अच्छे से और अच्छे से बाइंड हो जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा पानी और बचा होगा खट्टा वो भी निकल जाएगा। इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूं। बटर भी बना सकते हैं इसमें, यदि थोड़ा सा नमक और हल्दी मिला के रख लेंगे और जमा देंगे तो हमारा बटर बन जाएगा। लेकिन
करेंगे कि इसको थोड़ा सा पीसेस में तोड़ लेते हैं इस तरह से। और ये जो पहले वाला बाउल है इसमें जो घी बचा है उसको भी अभी हम ले लेंगे यूज में। इसको अब हम गरम कर लेंगे गैस पे। आयुर्वेद के अनुसार गाय का घी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये बॉडी के एसिडिक पीएच को कम करता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिच सोर्स है, जिससे कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज हो जाता है। और ये गाय का शुद्ध देसी घी हमारे लिए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो बॉडी में से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालता है और स्किन के अंदर ग्लो लाता है और कई बीमारियों से बचाता है। गाय के घी में जितनी भी क्वालिटी होंगी वो सब इसके अंदर मेंटेन रहेंगी, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा पहले भी बॉयल नहीं करा था और अभी भी हम नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा इसमें पानी है और थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ हैं, बस इनको भी हम अलग कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स और मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो छानने से पहले फ्रेंड्स इसके अंदर ये जो झाग से दिख रहे हैं थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ हैं, इनको मैं अलग कर देती हूँ चम्मच से। इनको ऊपर से ही थोड़ा अलग कर लेंगे। अब घी को हम कांच के कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इसको छानने के लिए मैंने यहाँ पे ये मलमल का कपड़ा लिया है, तो आप चाहें तो चलने भी यूज में ले सकते हैं। अब घी के अंदर जो भी अशुद्धि बची थी वो नीचे ही रह गई है और इस तरह से साफ घी मैंने इसमें छान के अलग कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने गाय के घी से मक्खन भी बनाया और घी भी बनाया और कलर में भी बहुत परफेक्ट है और क्वालिटी में तो बेस्ट है ही। तो आप इसको ज़रूर बनाएं। इसको हम 1-2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, जब ख़त्म हो जाए तब फिर बना लें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।